नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दत्ता। आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। आगरा में दुष्कर्म पीड़िता की नहीं ली जा रही रिपोर्ट। दुष्कर्म पीड़िता आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखाने को कल से काट रही थाना सदर के चक्कर। थाना सदर पुलिस पीड़िता परिवार और दुष्कर्म पीड़िता टहला रही है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की खुल रही है पोल। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पहले भी एक महिला SSP कार्यालय के सामने कर चुकी है आत्मदाह की कोशिश। आगरा के थाना सदर बाजार की है घटना। आरोपियों ने पीड़िता के साथ किया है सामूहिक बलात्कार। आरोपियों ने पीड़िता की बनाई है अश्लील वीडियो। थाने में शिकायत करने पर दे रहे हैं वायरल करने की धमकी। सोनू उपाध्याय उर्फ दीपिका। क्या मामला? सर, मामला ये है कि विनय शर्मा जी मुझे शादी का झांसा दे के 4 साल से अपने घर पे रख रहे हैं कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा। उनकी फैमिली भी इस चीज़ से सहमत थी कि वो मेरी शादी करा देंगे उनसे। अब सर वो मेरे साथ 4 साल से रेप भी कर रहे हैं। और सर उनके भाई हैं 3 अदर, जो उनका नाम है कालू उर्फ अभिनव आदित्य और छोटू उर्फ अभिनव तथा गोलू दिव्य शर्मा। सर इनके भाइयों ने भी बारी बारी मेरे साथ यही काम किया। मैंने इन पे विरोध किया सर, इन लोगों ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। जान से मारने की धमकी देने लगे मेरे इनके पास सर। इन्होंने मेरे कभी वीडियो भी बना लिए गंदे, तो वो मुझे उनको वायरल करने की धमकी भी देते हैं। कहते हैं मुझे इसे बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और सर मैंने उनको ये भी बोला कि मैं थाने में जाके FIR करूंगी, तो उन्होंने मेरे को ना जान से मारने की, मेरे परिवार को मारने की धमकी भी दी है। तहरीर दी आपने? जी सर, मैंने थाना सदर में तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक ना उनके घर पे कोई फोर्स गया है। केवल मुझे ना इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दे दिया है कि वो लोग आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। बस नहीं सर, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है।